की कथा की एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। और सूर्य वंश में कौन आए? बोले भगवान राम आए। बोले श्री राम लाला की। बोले चंद्र वंश में कौन आए? बोले कृष्ण कन्या आए। इसलिए ब्रह्मा की परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम था श्राद्ध देवमन। घर में सारे सुख है लेकिन घर में कोई संतान नहीं, इसलिए बड़े दुखी। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, बोले घर में कोई संतान नहीं। तब उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाए लेकिन घर में राजा की मन में इच्छा घर में एक लाला हो जो कि राजगद्दी को संभाले, लेकिन पत्नी की इच्छा घर में एक लाली हो जो मैया को मदद करे। जब यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग, उनकी पत्नी ने किया कि जा करके उनकी कानों में बोल दी, बोले देखो अगर घर में बेटी होगी ना मुंह मां की दक्षिणा मिलेगी, अगर बेटा होगा तो कोई दक्षिणा वक्षिणा मैं नहीं दूंगी। ब्राह्मण लोग बोले भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब है। इसलिए उन्होंने देखो पहले कितने शक्ति थी मंत्र में, वो ऐसे मंत्र पढ़ते थे, पढ़ करके यज्ञ करते थे, उसमें जो खीर बनती थी अगर उसको खिलाओ ना घर में बेटा होगा। और ऐसे मंत्र पढ़ती थी जिसको जरा खीर बनाओ तो उसके बेटी होगी, इतने मंत्र शक्ति थी। उन्होंने क्या किया, बेटा की मंत्र नहीं पढ़ करके बेटी की मंत्र पढ़ दी और रानी को खिलाई गई तो एला नाम को बड़ी सुंदर एक बेटी हुई। राजा वशिष्ठ जी से बोले, बोले मैंने कहा था बेटा होने के लिए बेटी कैसे हो गई? ब्राह्मणों को बुलाए, बोले भैया ऐसे कैसे हो गया? बोले हमारी कोई दोष नहीं, इनकी घर में एक मत नहीं, रानी ने हमारा कानों में आकर के बोले अगर बेटी होगी तो बढ़िया दक्षिणा मिलेगी, हमको तो बढ़िया दक्षिणा से मतलब, इसलिए हमने बेटी का मंत्र पढ़ दी। इतने में वशिष्ठ कहते देखो जब घर में कोई बेटी आती है ना सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई। घर में कौन आई? लक्ष्मी। अगर कोई बेटा आए ना कोई नहीं कहते नारायण आया है, कोई कहते नारायण आया नहीं। इसलिए बेटी का जो दान है ना सबसे श्रेष्ठ दान, बेटी की दान सबसे श्रेष्ठ दान मानी गई बेटी कन्या दान। इसलिए जब बेटी की दान करते हैं वो लक्ष्मी रूपा मान करके दान की जाती है, लक्ष्मी रूपा है ना। इसलिए कन्या दान की सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए बेटियों को हमें बचानी चाहिए। लेकिन दुख की बात है अगर हमें पता चला ना बेटी होने वाले दुखी हो जाते हैं, अगर बेटा होने वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन देखना जब पिता कहीं बाहर जाए ना, बेटा बोलेगा पिताजी मेरे लिए क्या लाओगे, बेटी क्या बोलेगी जाने तो पिताजी कब आओगे, पिताजी कब आओगे, बेटा क्या बोलेगा क्या लाओगे। देखना बेटा कभी संपत्ति के ऊपर में हक नहीं करती, कौन हक करता है? बेटा करता है, बेटी नहीं करती, बेटा करता है। इसलिए कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान। मैं तो सारा दुनिया में जाता हूं अक्सर करके क्या होता है घर में जब शादी हो जाए ना वो पिता माता को फिर नफरत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं बहुत सारा जगह में देखा चार पांच बेटे ही लास्ट में जाकर के बेटी को पास में पिता माता आश्रय लेते हैं, बहुत सारे जगह में बेटी को पास में आश्रय लेता है, वो बेटी ही बच्चे को देखता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है बेटी हो तो हम मार देते हैं और बेटा होते जो बेटा हमें घर से निकाल देगा पैसा लूट लेगा हम कहते नहीं बेटा होना चाहिए, नहीं बेटियों को रक्षा करनी चाहिए, हाँ बेटियों की रक्षा करनी हमें चाहिए। इसलिए स्वयं वशिष्ठ कह रहे घर में बेटी आई तो क्या बोलते हैं, घर में लक्ष्मी आई है घर में, अच्छी बात है। बोले नहीं हमें तो बेटा चाहिए क्योंकि भविष्य में राजगद्दी को कौन संभालेगा, राजगद्दी को कौन संभालेगा। देखो क्या मंत्र ऋषियों के पास में, वशिष्ठ ने ऐसे किया जो बेटी थी ना उसने ऐसे मंत्र पढ़े जो बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया था, बेटी को बेटा बना दिया उन्होंने, उसका नाम हो गया सुदुम्न हो गया। एक दिन क्या हुआ, बेटा जब बड़ा हुआ, बेटा बड़ा होने पर उसने एक दिन अपना सैन्य सामंत को लेकर घोड़ा में बैठ करके जंगल में घूमने गया। वो ऐसे एक जंगल था जिस जंगल में प्रवेश करते ही जितने घोड़े सब घोड़ी हो गए और जितने सैन्य सब लड़की बन गए और जो राजकुमार था ना ये राजकुमारी बन गई। सबके सब देखा भैया ये क्या हो गया, हम सबके सब लड़की कैसे हो गए? बोले ऐसे क्यों? बोले वो जंगल में शंकर पार्वती रहते थे। एक दिन क्या हुआ, चतुसन शंकर पार्वती को दर्शन करने पहुंचे तो उस समय शंकर पार्वती मिल रहे थे। इतने में तो मैया पार्वती इतने शर्मिंदा हो गई, शंकर जी से बोले भैया ये कौन सा घर गृहस्थी है,
जिसकी इच्छा हो वही मुंह उठाकर गा जाते हैं। शंकर जी अभिशाप दे दिए आज को बाद में अगर ये जंगल में कोई पुरुष आएगा तो पुरुषत्व तो नष्ट होकर के वो स्त्री बन जाएगी। अभी इनको पता ही नहीं चला सबके सब लड़की। फिर वशिष्ठ जी को जब पता चला फिर उन्होंने पिताजी को पता चला वशिष्ठ को पास में गए। फिर वशिष्ठ शंकर जी को पास में गए फिर मेरे बेटा को फिर बेटा बना दो। शंकर जी बोले देखो एक काम कर सकता हूँ तुम्हारा जो बेटा है ना एक महीना तो बेटा रहेगा और एक महीना बेटी रहेगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अभी जब उसने बेटी रही उसकी फिर शादी हुई बुध को साथ में। शादी होने पर उससे जो संतान हुआ है उससे जो संतान हुए उससे ये चंद्रवंश चला और चंद्रवंश में कौन आए भगवान कृष्ण आए। जब उसने बेटा था फिर शादी हुई। जब शादी हुई उसकी औरत से पत्नी के औरत से जो संतान आया उससे फिर आया ये सूर्य वंश आया और सूर्य वंश में कौन हुए भगवान राम। देखो ठाकुर के एक अद्भुत महिमा है। एक व्यक्ति से ही ये सूर्य वंश और चंद्रवंश आए और ये दोनों वंश में हमारा जो श्रेष्ठ दो भगवान है ना कृष्ण और राम ये एक व्यक्ति से ही ये सूर्य वंश चंद्रवंश में भगवान कृष्ण और राम आते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्यावर राम चंद्र की जय जय श्री राम। अभी जब दशम स्कंध में भगवान कृष्ण की कथा आएगी इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना सारी भगवान की लीला सबके सब प्रकट होने लग गए। उन्होंने क्या किया एक श्लोक ऐसे बोले और एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। कृष्ण कैसे मथुरा में कंस की कारागार में प्रकट हुए कैसे प्रभु गोकुली में आए कैसे पुतना अघासुर बकासुर को मारे कालियों का सिर पर नृत्य की प्रभु कैसे गिरिराज धारण की सतकर्ण गोपियों के साथ में रास रचाए फिर प्रभु कैसे मथुरा गए कंस का उद्धार किया जरासंध को उद्धार किया प्रभु कैसे द्वारका गए 16,108 पटरानियों से शादी की हर रानियों से 10-10 बेटा एक एक बेटी हुई ब्राह्मणों ने अभिशाप दी भगवान प्रभास क्षेत्र में गए और अपना अंतिम लीला को समाप्त करके अपना गोलोक वृंदावन चले गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में ना सारी कृष्ण कथा सुना दी और चुप होकर बैठ गए। परीक्षित महाराज तो देखने लग गए बोले क्या कृष्ण कथा होगी सुना दी ना पूरी तो सुना दी। बोले मैं तो 4-4 दिन से केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि कृष्ण कौन है मेरी कुल देवता मैया की पेट में मेरे को किसने रखा की कृष्ण ने रखा की केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हुआ। आप तो जैसे अगस्त ऋषि ने एक चुल भर में संपूर्ण समुद्र पानी जैसे पान कर लिया आप तो एक श्लोक में कृष्ण कथा पूरी सुना दी मुझको आनंद नहीं आया मेरे को तृप्ति नहीं हुई इसलिए मेरे को कृष्ण कथा विस्तृत रूप में सुनाओ। जब उनकी उत्साह को देखा है ना फिर उन्होंने विस्तृत रूप में कृष्ण कथा सुनाई। प्रश्न है फिर उन्होंने एक श्लोक में क्यों सब सुना दी इसका 2 कारण बताया। पहला कारण बताए सुखदेव गोस्वामी कौन है बोले प्रिया सुकश्री वृषभानुजाया ये राधा जी की प्रिय तोता है। ये भी देख रहे कि कब कृष्ण कथा आए और जी भर करके हम कृष्ण कथा बोले। उदाहरण दिया जैसे व्यक्ति जेठ के महीना एकदम कड़कड़ाते हुई धूप है छाती फट रहा है प्यास के मारे अगर कोई आए अगर एक ग्लास शरबत दो क्या करेगा एक साथ में ही हाँ एक साथ में पूरा जूस को पी लेगा। तो उसी तरह इनके हृदय में भी कृष्ण कथा बोलने की प्यास जग रहा था कब कृष्ण कथा है जी भर करके बोलो और उन्होंने क्या क्या एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। ये एक कारण। दूसरा कारण है वो परीक्षित महाराज को परीक्षा करना चाह रहे थे बोले ये 4 दिन से बैठा हुआ चुपचाप ये सचमुच से क्या कृष्ण कथा सुनने की इच्छा ना चुपचाप बैठा हुआ। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने बोले भैया मैं तो केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ अब सुखदेव गोस्वामी बोले तू 4-4 दिन ही हो गया तू एक थोड़ी सी पानी तक भी नहीं पिया थोड़ी तो पानी पी ले। परीक्षित महाराज बोले भैया इतनी गड़बड़ी क्यों हुआ पानी के लिए तो हुआ ना
ये पानी पीने के लिए गया, पानी नहीं दिया तो गले में मरा हुआ सर्प डाला, अभिशाप दिया, तभी तो ये हुआ। ये पानी के लिए भी जितना गड़बड़ी हुआ, फिर पानी की बात कह रहे हो। इसलिए आपका जो मुख चंद्र को दर्शन करते हुए आपकी मुंह से जो कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी बह रही है, उसमें मैंने स्नान करते करते मैं उसमें तृप्त हो रहा हूँ। आप पानी की बात मत क्या करो, अगर पानी की बात कथा बंद करोगे ना, फिर पानी पीने की इच्छा होगी। इसलिए पानी मत पिलाओ, कथा रूपी गंगा में मेरे को स्नान कराओ। फिर तो उन्होंने 3 दिन तक उन्होंने कृष्ण 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 कथा सुनाए। जिस समय बोले कृष्ण कथा कैसे है, बोले भगवान कृष्ण की कथा कैसे, उदाहरण दिया 3 गंगा है। एक आकाश में गंगा है जिसका नाम मंदाकिनी, दूसरी गंगा मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, तीसरी गंगा पाताल लोक में जिसका नाम भोगवती। जैसे ये 3 गंगा ये 3 लोगों को पवित्र करती है, कृष्ण कथा भी 3 लोगों को पवित्र करती है। बोले किसको किसको, बोले जो बोलने वाले, जो सुनने वाले और जो प्रश्न करने वाले, ये 3 लोगों को कृष्ण कथा पवित्र करती है। कृष्ण कथा कैसे है, इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं, बोले आधरंग माधुर बादन माधुर हासितंग माधुर चरितंग माधुर आधरंग माधुर बादन माधुर कहते हैं भगवान का सब मीठा है, उनका बोलना मीठा, चलना मीठा, दिखना मीठा, सब भगवान रस स्वरूप भगवान, ये रस स्वरूप ये भगवान है। हाँ, जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला खाए हो, रसगुल्ला, रसगुल्ला कब होता है, रस को जब गुल्ला में, गुल्ले को जब रस में डुबा दो क्या हो जाता है, रसगुल्ला हो जाता है। क्या भगवान ऐसे है, बोले नहीं ऐसे भगवान नहीं, भगवान पूरा ही रस है, इनका सब कुछ मीठा है। और भगवान कथा में इतने मीठा, इतना मधुर है, बोले आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंध अभिक्रमे, जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी जोगी जब भगवान की कथा सुनते हैं ना, बोले कुर्बन अहित की भक्ति इथम भूत गुणहरी, हरि की कथा की इतने महिमा है। सुखदेव गोस्वामी जैसे, शंकर जी जैसे, चतुसन जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी जब भगवान की कथा सुने वो भी पागल हो गए। बोले निवृत सही रूप माना भव औषध छत्र बन विरमा, भव सागर से कोई पार होना चाहते हैं, सबसे मीठा औषध क्या है, भगवान की कथा। उन्होंने जिस समय कंस ने बड़े अत्याचार किए, मेरे देश में कोई कीर्तन नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, कोई प्रभु का नाम नहीं ले सकते हैं, जितने संतों को मार मार कर जेल में बंद करवा दिया है, लेना तो मेरा नाम, मेरे भक्ति, सब कुछ मेरा करना पड़ेगा। अभी पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई, दुखी होकर के ब्रह्मा के पास में गया, ब्रह्मा शंकर जी के पास में, फिर इंद्र के पास में, सारे देवता मिल करके खीर समुद्र में जाते हैं और भगवान को स्तुति करते हैं। पुरुष सूक्त मंत्र से आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम लोगों का दुख मैंने समझ गया है, जल्दी से जल्दी में अवतीर्ण होने वाला हूँ। और कंस ने एक समय अपना बहन देवकी को, वसुदेव को साथ में शादी की, और जब विदाई कर रहा था, आकाशवाणी हुई, रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरा काल हो गया। ये देवता का वाणी कभी झूठा नहीं हो सकती, न रहेगा बास न रजेगी बांसुरी। इतने में खड़ग निकाल करके पकड़ा देवकी की चोटी, मारने जा रहा था,
वसुदेव ने देखा कि आकाश बन कभी झुकी नहीं हो सकती, किसी तरह से रक्षा करनी चाहिए। साम दाम दंड भेद नीति से उन्होंने समझाने के लिए कोशिश किया। कंस मान नहीं रहा था, बोले देख तू मेरे को जानते हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बोले हाँ, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जितने सब संतान होगा ना तेरे हवाले कर दूंगा, सब तेरे को दे दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारा करो। ठाकुर जी की इच्छा छोड़ दिया। उसका पहला संतान कीर्तिमान हुआ, उसने कंस को सीधा दे दी, उसका हृदय तो द्रवीभूत हो गया। अपना बेटे को काल को हाथों में, बोले इसी बेटे से कोई डर नहीं, तू उसको ले जा, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब है। इतने में नारद जी ने देखा भैया बहुत गड़बड़ी हो गई, क्योंकि भगवान कब आएंगे, जब पाप की घड़ा भरेगा, लेकिन इसकी हृदय में तो दया की भावना आ रही है। इतने में श्री नारद जी बस बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आ गए। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय मैं अभी अभी स्वर्ग से आ रहा, मैंने देखा ब्रह्मा जी ये सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, उसका विषय था तेरे को मारेंगे कैसे। देखो ये जितने जदुवंशी है ना, ये और कोई नहीं सारे देवता, और ये जितने गोपी सब देवी, ये सबके सब तेरे को मारने के लिए आए, तेरे को मारने के लिए आए। और जब नारद जी आए थे एक कमल फूल लेकर के आए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले कंस ये बताओ इसमें पहला नंबर कौन सा और 8वां नंबर कौन सा। बोले गुरु जी कैसे बताओ, बोले इधर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और उधर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ रहा कि नहीं। बोले क्या समझना, ये तो सीधी सी बात। बोले तेरे पल्ले में कुछ पड़ा नहीं, देख ये देवता का वाणी समझना बड़ा कठिन। तू तो इधर से गिन रहे हो 1 2 3 4 5, अगर वो उल्टा से गिने तो जिसको तू 1 कर रहे हो ना वो हो जाएगा 8, और जो 8 कर रहे हो जाएगा 1। समझ रहा है कि नहीं। बोले हाँ बात तो समझ रहा हूं। बोले अगर देवता लोग उल्टा से गिने तो फिर तो कंस का बुद्धि बदल गया। बोले गुरु जी आप तो सही बता रहे हो, गुरु जी के बगैर ज्ञान नहीं होता है, मैं तो बड़ा भूल कर दिया था, फिर सारे बच्चों को मैं मार डालू। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा बात जानता है। बास उनको बहका दिए और नारद तो भाग गए वहां से। जब भाग गए कंस ने एक एक करके उन्होंने 6 बेटे को खत्म कर दिए। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, अभी उन्होंने नारद जी बच्चों को क्यों मरवाया, इतना बड़ा संत होकर क्यों मरवाया, उन्होंने मरवाया नहीं, इनको पूर्व जन्म की बात याद है। ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा का मानस पुत्र मरीच थे। एक दिन ब्रह्मा ने एक सुंदरी लड़की को जन्म दी, अपूर्व सुंदरी लड़की को सृष्टि की। इतनी सुंदरी वो लड़की थी, ब्रह्मा स्वयं अपना बेटी को देख करके पागल हो गए और अपना बेटी को पीछे भागे थे। और इन लोगों ने देखा, देखो ये बूढ़े को अपना बेटी को पीछे भाग रहा है, उन लोगों ने खिली उड़ाए। तो इतने में ब्रह्मा जी अभिशाप दिए, बोले मेरे को देखकर खिली उड़ा रहे हो, अभिशाप देता हूं अपना पिताजी को हाथ में 3 जन्म तक मरोगे तभी मुक्ति मिलोगी। ये कंस पहले काल ने भी बनकर के आया था और पहले मार चुके हैं, तो काल ने भी अभी कंस बनकर के आए,
जितना जल्दी ये मरेंगे ना इनको उतना जल्दी मुक्ति, उनने मरवाया नहीं उनको जल्दी मुक्ति करा दिया। अभी सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु आए अनंत संख्या। इतने में जब बलदेव प्रभु आए कहते श्री वसुदेव की दो पत्नी थी, एक रोहिणी और एक देवकी। अभी रोहिणी भी गर्भवती, अभी जद्दुवंशी देख रहे हैं ये कंस तो देवकी का सारे बच्चों को मार रहा है, अगर ये रोहिणी के बच्चे को मार दिया ना फिर इनका वंश ही खत्म हो जाएगा। एक काम करो राता रात इनको छुपा करके भेज दो, छुपा भेज दिया। इतने में भगवान जोग माया को बुलाए, बोले जोग माया तेरे को एक काम करना पड़ेगा। बोले प्रभु बताओ। बोले ये देवकी गर्भ से बच्चे को आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन करना, और तू मेरी छोटी बहनी बन करके जन्म लेना, जगत में तेरी बड़ी नाम अंबिका देवी सुभद्रा हाँ काली बड़ी नाम तुम्हारी होगी, जगत में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। बोले प्रभु ठीक है, हैं? अभी उन्होंने देवकी गर्भ से रोहिणी गर्भ में स्थापना कर दी। अभी अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन भगवान जब कृष्ण आते हैं कृष्ण गीता में कहते हैं बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह वेति तत्वतः। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे जो जन्म और कर्म है ये अप्राकृत अवलोकिक दिव्य है, अगर ये चीज को कोई सही सही जान ले तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। जब वो शरीर त्याग देता है फिर जगत में दो बार जन्म नहीं लेता, इसलिए भगवान की जो जन्म कर्म दिव्य है। लेकिन हम लोग कैसे जन्म हुए पिता माता के मिलन में, हमारे शरीर कैसे है बोले क्षिति जल पात गगना समीरा, क्षिति जल पात गगना समीरा, क्षिति जल पात गगना समीरा, पंचर क्योंकि पिता माता के मिलन से शुक्र जन्म हमारी। लेकिन भगवान की शरीर कैसे है बोले सचिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि है कवे। लेकिन भगवान की शरीर हमारा जिस शरीर नहीं है, भगवान का शरीर सत चित और आनंद है, हैं? इसलिए भगवान कैसे प्रकट होते हैं, पहले ठाकुर जी वसुदेव के हृदय में आए। वसुदेव महाराज देवकी को भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा सुनाए। भगवान शब्द ब्रह्म रूप में श्री देवकी के हृदय में आए। एक दिन कंस आकर के देखा सारा जेब उजला उजला हो रहा है, हाँ? और उसकी जो हंसी है ना एक अद्भुत हंसी थी। कंस तो समझ गया मेरा काल आ गया, वो सोच रहा था मैं मार डालूं लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुआ मारने की। अभी दिन रात कंस अपना काल को याद कर रहा है, अपना काल को याद कर रहा है। अभी सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आ गए, अब भगवान को गर्भस्तुति करते हैं बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य से जोनी निहितां च सत्ये सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वां शरणं प्रपद्ये। भगवान बोले हे प्रभु आप परम सत्य, आपका धाम सत्य, आपका भक्त सत्य, आपका सब कुछ सत्य है, आपने बताया था आने के लिए सचमुच से आप इस जगत में आप प्रभु आ रहे हो। सत्य सत्य रूप में भगवान को स्तुति किए और प्रभु जो आपका चरण को आश्रय ग्रहण करता है वो आसानी से भवसागर से पार हो जाता है।
लेकिन जो तेरे चरण को नेगलेक्ट करते हुए ज्ञान कर्म और योग मार्ग में जाता है, बड़े बड़ी कठोर तपस्या करते हुए बड़े उच्च पद को पाने कर पाने पर भी उनको वहां से पतन होता है, लेकिन तेरे भक्ति को जो आश्रय ग्रहण करता है वो आसानी से भवसागर से वो पार हो जाता है। सारे देवता लोग भगवान को स्वागत कर रहे हैं। हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री श्री राम। हाँ इधर देखो, सब कथा सुनना भूल गए प्रभु जी, बीच में गड़बड़ी मत करो, फिर अभी हम खड़े हो, अभी चले जाओ, 5 मिनट बाद में आना। हाँ देखो इधर, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। अभी भगवान आने वाले, अब देखना साधारण कोई मंत्री अगर मोदी आ जाए ना, देखना कितना स्वागत होगा। अभी कौन आ रहे हैं? भगवान मोदी का जो बाप है, उसका बाप की बाप की बाप की बाप, ब्रह्मा जी का जो मूल है, इसलिए ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदा नंद विग्रह अनादिर आदि। अनादि का जो आदि कौन है? भगवान कृष्ण। तब उनके लिए कितने स्वागत होनी चाहिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतः सर्व काल पेता काल परम शोभन। एक साथ में सारे ऋतु, सारे मास, सारे फूल एक साथ में प्रभु की सेवा करने के लिए प्रकट हो गए। जितने जुई बेली चमेली जितने सब फूल एक साथ में खिल गया है, और कुंज कुंज में बड़े सुंदर फल फूल में सारे वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं। और जो जमुना महारानी थी ना, वो एकदम जमुनत्र से एकदम कलकलनाद करते हुए और भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हुए आ रही थी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम जोर से जय, तो ठाकुर आ रहे ना। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले भैया ये यमुना क्यों खुश हो रही थी? बोले भगवान यमुना को अपना पटना ही बनाएंगे ठाकुर जी, और यमुना में जल विहार करेंगे ठाकुर जी, इसलिए यमुना इतने प्रसन्न हो रही थी। कभी जो दूसरे दूसरे नदियां वो भी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। बोले क्यों प्रसन्न हो रही थी? बोले जो यमुना, अरे इधर कथा सुना, सब बात करने लगे, कथा सुना। इसलिए बोले दूसरे दूसरे नदियां क्यों खुश हो रही थी? बोले जो यमुना है ये सबसे बड़ी बहन, और जितने नदियां इनकी छोटी बहनी है। अगर यमुना को साथ में कृष्ण की शादी हुई तो फिर दूसरे दूसरे नदियां क्या हो गई? बताओ क्या हो गई? बोला वो सबके सब कृष्ण के साली लगती है। आप देखना कभी कभी दामाद वो पत्नी को जितना प्रेम करता ना, उससे ज्यादा अपना सालियों को प्रेम करता है। इसलिए नदियां खुश हो रही है, हम तो कृष्ण के साली बनने वाले, इसलिए इसी नाते कृष्ण हमें ज्यादा प्रेम करेंगे। बोले ये वृंदावन धाम क्यों खुश हो रहा था? बोले इसका कारण बताए, भगवान हर अवतार में पादुका को ग्रहण किया, लेकिन केवल एक कृष्ण ही एक हुए हैं जो पादुका ग्रहण नहीं नंगे प्यार में वृंदावन में उन्होंने भ्रमण किया। इसलिए सोच रही है पृथ्वी भगवान की चरण स्पर्श पा करके मेरे को कितने आनंद होएगी, इसलिए प्रसन्न हो रही थी। और भगवान हर अवतार में पृथ्वी को बड़ी कृपा की। भगवान अभी बामन बन करके आए, एक प्यार को संपूर्ण पृथ्वी का नाप लिया, बोले पृथ्वी को ऊपर में कृपा की। जब बराह रूप में आए पृथ्वी को उधार की, जब राम रूप में आए क्या क्या भगवान राम रूप में पृथ्वी को कृपा की। बोले कैसे कृपा की? हाँ आप लोग बताओ, मैया सीता जी की जन्म कहाँ से हुई थी? कौन बोलेगा हाथ उठाओ, मैया सीता जी कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? पृथ्वी से हुई है। कहाँ से हुई? पृथ्वी से हुई है। अभी सीता जी को साथ में राम की शादी हुई, पर बताओ राम के साथ में पृथ्वी का नाता क्या हुआ? बताओ बताओ। हाँ इसलिए कहते रामा बता रहे, पृथ्वी सोच रही है भगवान मुझे अपना सांस बनाए, और कृष्णा अवतार में कभी वही पृथ्वी ये सत्तर हवा बन करके आएगी, मतलब मेरे को अपना पटरानी बनाएंगे। इसलिए पृथ्वी इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, उसके आनंद की सीमा नहीं। और कमल फूल वो खिलता है दिन में,
लेकिन आज कमल फूल खिल गया रात में। बोले रात में क्यों खिल गया? बोले जितने संत लोग भगवान के स्वरूप को मेरे साथ में उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नारायण, नमो पंकज मालिनी, भगवान की हस्त कमल, चरण कमल, उनकी नेत्र कमल, इसलिए कमल फूल खिल गया। भगवान जब आए अष्टमी रात की, अष्टमी का रात है, है बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में भगवान चरण भादो की महीना उसी दिन ठाकुर जी जन्म लेते हैं, और अष्टमी का रात में चंद्रमा वो आधा चंद्रमा होता है, लेकिन आज चंद्रमा एकदम पूर्ण चंद्रमा रूप में प्रकट हो गए। बोले क्यों? बोले भगवान आज मेरे वंश में, ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं। प्रसन्न होकर के उन्होंने एकदम पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए, चंद्रमा ऊपर और मेघ होता है नीचे। अभी चंद्रमा और मेघ में ना लड़ाई शुरू हो गया। ये चंद्रमा कहता है मेघ मेरे आगे से हट जा, मेघ कहता है क्यों हटूं? बोले तेरे को पता नहीं आज प्रभु मेरे वंश में आ रहा है। मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं प्रभु मेरे रंग को लेकर के आ रहे हैं। अभी दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। देवता लोग ने कहा भैया ये लड़ाई का समय नहीं, ये आनंद लेने का समय, तू भी थोड़ा हट जा और चंद्रमा को भी आनंद लेने दे, तू भी आनंद हो। सबके सब आनंद होकर के भगवान की स्वागत कर रहे थे। जब स्वागत कर रहे थे इतने में भगवान एकदम रात 12 बजे कंस का कारागार में प्रभु चतुर्भुज को लेकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, जब भगवान प्रकट हुए इतने में श्री देवकी वसुदेव कह रहे हैं, बोले प्रभु ये क्या है? मैंने तो आपको बालक रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के लड़के जैसे ढूंढाली केस और शंख चक्र गदा पद्म और चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आए हो। भगवान ने कहा देवकी वसुदेव, पूर्व जन्म में तुम प्रश्न और सुत का थे, कठोर तपस्या मेरी की, मैंने जब संतुष्ट होकर के बोला क्या चाहिए, तुम उन्होंने बताया आप जैसे हमें एक बालक चाहिए। मैंने कहा भैया मेरे जैसे तो कोई होता नहीं, मेरे जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैंने तुमको वो स्मृति दिलाने के लिए प्रकट हुआ। अभी मैं छोटा बच्चा हो जाऊंगा, मेरे को यहाँ से लेकर के गोकुल में रख लेना और वहां पर एक छोटा बच्चा उसको बेटी उसको यहाँ ले आना। बोले प्रभु कैसे जाऊं, ये हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, पहरादार बैठे हुए हैं, और मैं जाऊं कैसे? बोले कोई चिंता मत करो, मेरे को केवल अपना सर के ऊपर रखो, ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगी, पहरादार सो जाएंगे और सबके सब रास्ता खाली हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर हम घर में कोई काम करे, अगर भगवान को आगे रख करके करते हैं, फिर तो घर का सारे अपने आप सारे काम हो जाएगी अपने आप। इसलिए करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, केवल भगवान को आगे रख करके इतना काम केवल कर लो। इतने में ही झट भगवान छोटा बालक बन गए। वहां पर एक सूप पड़ा हुआ था, उन्होंने भगवान का सूप पर रख दिए और अपना सर पर रख करके जब गए, इतने में रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो रही थी। साक्षात आनंद देव छत्र में ऊपर में छत्र छाया कर रहे थे। जब यमुना नदी आई लपालप पानी भरा हुआ, उसको पार कैसे करेंगे? इतने में जब वसुदेव महाराज धीरे 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 गए, अभी माता यमुना भी सोच रही है प्रभु का चरण का स्पर्श मैं भी थोड़ा करूं। इतने पानी तो उफन लगा। जब पानी उफन रहा था, वसुदेव महाराज तो कृष्ण को ऊपर उठा लिया, बोले कोई हो तो मेरे लाला को ले लो। इसलिए ब्रज में एक नाम है को ले, को ले। फिर तो उन्होंने ले करके गए, कहां पर लेकर गए, गोकुल में पहुंचे, और कृष्ण पीछे से प्यार रखते ही यमुना स्पर्श करते हुए नीचे आ गई, स्वयं जोग माया के सियार बन करके आए। बोले भैया इतनी सी पानी? फिर उन्होंने पार होकर गए और गोकुल में वहां पर एक लाली जन्म हुई थी, उन्होंने लाला को रखे और लाली को लेकर के उन्होंने मथुरा आ गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल जय जय श्री राधे।
स्वागत सुस्वागत कृष्णा सुस्वागत कृष्णा सुस्वागत
Thank you.
सजाएंगे।